गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन के पार्सल कोच में अचानक आग लग गई। आनन फानन में रेल अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। हालांकि आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से चलने के बाद ये ट्रेन गाजियाबाद पहुंची तो इसके पिछले वाले कोच में जनरेटर और लगेज था, उसमें आग लग गई। आग लगने से यात्री दहशत में आ गए और तुरंत ट्रेन से उतर गए। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। ट्रेन स्टार्ट हुई और आग लग गई। कौन सी ट्रेन थी? कहाँ जा रही थी? लखनऊ। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बाकी कोचों पर कोई असर नहीं हुआ। आग लगने वाले पार्सल कोच को गाजियाबाद स्टेशन पर ही अलग करने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। हालांकि आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये सुबह 7 बजे लगभग सूचना मिली कि शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगी है। तत्काल 4 गाड़ियां कोतवाली से रवाना की गई और यहाँ पहुँच कर देखा गया कि आग ट्रेन के पिछले हिस्से में जो जनरेटर और लगेज का यान है इसमें लगी हुई थी। तत्काल जो है इस बोगी को ट्रेन के अन्य हिस्सों से काट करके अलग करवाया गया और गेट खुल नहीं रहा था। गेट को छोड़ करके एक गेट खुल गया खुलने के बाद एक अभी भी नहीं खुल रहा, इसको आग को बुझा दिया गया है। चूँकि सामान इसमें भरा हुआ है और इसको थोड़ा सा हीट होने के कारण हल्का फुल्का धुआं भी निकल रहा है। बता दें कि इससे पहले पिछले शनिवार यानी 13 मार्च को दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी ट्रेन के कोच में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था। राहत की बात यह रही कि इस घटना में भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।